तो रितु रिबा को जो फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं उन सब के लिए गुड न्यूज लेके आया हूँ। जी हाँ, आप सब की बात का असर अब इतने बड़े लेवल पे पहुंच गया है कि अब इंडियन आइडल के मेकर्स को जल्द ही रितु रिबा को वापस बुलाना पड़ेगा, वरना शो को बड़े ही जबरदस्त तरीके से बायकॉट किया जा सकता है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही अपडेट आपके लिए लेके आया हूँ। दरअसल देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल आज तक पर रितु रिबा की ये आवाज है, ये पहुंच चुकी है। और जब से ये एलिमिनेट हुए हैं उस रात से फैंस है काफ़ी ज़्यादा बायकॉट कर रहे हैं कि हमने बायकॉट करना है इंडियन आइडल सीजन 13 को। तो इसी चीज़ को देखते हुए जब ये बात काफ़ी ज़्यादा फैली तो पूरे इंडिया में अब हर कोई ये बोल रहा है कि अब इंडियन आइडल को बायकॉट करना है, जैसे हम बॉलीवुड को बायकॉट कर चुके हैं। और अब ये बात जैसे ही फैली तो यहाँ पर आज तक पर ये न्यूज़ छपी है, चैनल पर ये न्यूज़ चली है और रितु रिबा की अब कहां तक आवाज पहुंच चुकी है, वो भी आप सबके सपोर्ट, आप सबके प्यार और सबसे मेन बात रितु रिबा के टैलेंट के कारण अब ये आवाज काफी आगे तक पहुंच चुकी है। अब जल्दी से जल्दी इंडियन आइडल के मेकर्स को रितु रिबा को वापस बुलाना पड़ेगा। हालांकि एक जज तो आ चुके हैं लाइन पे, जी हाँ, विशाल ददलानी है। वो उन्होंने कमेंट किया था, आप सबको मैंने बताया था, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप जा सकते हैं, पिछला वीडियो देख सकते हैं। और वहाँ पर आपको बताएं तो उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हूँ, गाना रिलीज़ करने में अगर कोई दिक्कत होती है तो हमेशा मैं आपके साथ खड़ा हूँ, हेल्प करूँगा। लेकिन फैंस को चाहिए भी हमें ऐसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, वो हम वैसे ही हिट करवा देंगे रितु रिबा का कोई नया सॉन्ग आता है तो। लेकिन हमें चाहिए कि आप ब्रिंग बैक कीजिए, आप रितु रिबा का कम बैक कीजिए इंडियन आइडल सीजन 13 में, वरना हम ये शो बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से बायकॉट करने वाले हैं। तो भाई अब इंडियन आइडल के मेकर्स हैं वो दोनों तरफ से फंस चुके हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं विनीत सिंह एक ऐसे सिंगर जो सिलेक्ट हुए हैं, एक शो के रनर अप रह चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने काफी सारी मूवी में डेब्यू किया था, गाने भी दिए हैं, सलमान खान की मूवी में वो गाना दे चुके हैं, इसके बाद भी उन्हें शो में एंट्री मिल चुकी है। तो ऐसे में भाई ये क्या है, ये क्या हो रहा है, यही फैंस को गुस्सा आ रहा है कि भाई यहां पर जो अच्छा टैलेंट है उसको तो भाई एक मिनट में बाहर निकाल दिया, लेकिन जो पहले से बहुत कुछ कर चुका है उसके लिए भाई आपने दोबारा से शो के दरवाजे खोल दिए हैं। तो इसी बात को लेकर फैंस है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि भाई ये ट्रेंड तब तक चलना चाहिए जब तक वापस नहीं आते, यानी शो में जब तक वापस नहीं लेके आते, जैसे उन्होंने आउट किया था वैसे ही वापस नहीं लेके आते। और लगातार आप तक अपडेट भी पहुंचा रहा हूं रितु रिबा के टैलेंट की, कदर करते हैं हम सभी भी कि कैसे 5 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर एक टैलेंट के अनुसार वो अपना गाना बना देते थे। और भाई इनको क्या चाहिए, अगर ऐसा टैलेंट नहीं चाहिए तो फिर हम क्यों देखें ऐसे शो को। तो बस आप सबका साथ अगर ऐसे ही रितु रिबा के साथ बना रहा तो जल्दी वो वापसी करेंगे और हमारा साथ भी है, तो आपने चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जो भी हमारे पास अपडेट आ रही है साथ के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अभी अकाउंट जो आ रहा होगा आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करके फॉलो कर सकते हैं। थोड़ी ही देर में मिलते हैं कि आखिर अब तक क्या हो रहा है, उनको समझ आई है या फिर नहीं। जल्दी रितु रिबा की नई अपडेट आपके लिए लेके आते हैं।